जी, मेरा नाम मोहम्मद समीर है। मैं लेक्चरर साइकेट्रिक सोशल वर्कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर SMHS में पोस्टेड। आज जो टॉपिक है वो है सेल्फ एस्टीम एंड ड्रग एडिक्शन, यानी खुद एतमादी और मंशियात का इस्तेमाल। खुद एतमादी जिसे सेल्फ एस्टीम कहते हैं और मंशियात का इस्तेमाल। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश डेफिनेशन सेल्फ एस्टीम की देखें तो सेल्फ एस्टीम इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स सब्जेक्टिव इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन्स ओन वर्थ, सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ पर्सन्स ओन वर्थ। सेल्फ एतमादी बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ हमें कामयाब बनाने में, हमारा जो खुद एतमादी है या हमारी जो अचीवमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। खैर, यहाँ पे जो टॉपिक है जो हम बात करेंगे वो ये है कि सेल्फ एस्टीम, खुद एतमादी और मंशियात का इस्तेमाल। खुद एतमादी की कमी या मंशियात का इस्तेमाल, जाहिर सी बात है जिस इंसान को खुद एतमादी ठीक ठाक होगी तो उसमें कम चांसेस हैं मंशियात का इस्तेमाल करने में, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। अब खुद एतमादी यानी सेल्फ एस्टीम की कमी होती क्यों है, कुछ रीजंस हैं जिनमें, जैसे सबसे पहला एक रीज़न है कि इंडिविजुअल्स, अगर कोई बच्चा है जिसको चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, अब्यूज़ किसी तरह का, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या सेक्सुअल हो। सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ की मतलब उसको हमने नेगलेक्ट किया है, बचपन में इग्नोर किया है बुरी तरह से, और बच्चे को इग्नोर किया है, उसको एतमाद नहीं दिया। और तीसरा है फिजिकल अब्यूज़, हमने मारा पीटा है बच्चों को। ऐसी कई एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास आई हैं जिन्होंने बच्चों को बड़ी बेदर्दी से मारा और उनको फिर एक डिक्रीज सेल्फ एस्टीम यानी खुद एतमादी की कमी हो जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो बच्चों को, यानी पेरेंट्स आर अनएबल टू मेक द चिल्ड्रंस फील वैल्यूड एंड इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स फेल टू मेक द चिल्ड्रन टू रियलाइज दैट दे आर वैल्यूड एंड इम्पॉर्टेंट, यानी ज़्यादातर वालदेन इस चीज़ में कामयाब नहीं होते कि वो बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि उसकी अहमियत है और वो ज़रूरी है हमारे लिए। जब हम इस फीलिंग्स को जगाने में, यानी बच्चे को एक ज़रूरी और एतमाद जगाने में नाकाम हो जाते हैं तो चांसेस हैं उन बच्चों को कल को खुद एतमादी यानी सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। तीसरी चीज़ है जो खुद एतमादी की, वो ये है कि रिसीविंग टू मच क्रिटिसिज्म। बचपन से ही उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी उनका वैल्यू नहीं जाना जाता है, तो हम उनको बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि तू लूज़र है, तू बड़े होके कुछ नहीं करेगा। तो कल को अगर हम, जब वो बड़ा होता है, हम उनसे बात करेंगे तो उनको लगेगा ये सब फेक है, क्योंकि अगर हम उनको कॉन्फिडेंस से बात करेंगे या हम उनकी इज्जत करेंगे तो ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो हैं वो ये बताते हैं कि हमें ये चीज़ें अजीब लगती हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही क्रिटिसाइज किया जाता था या बचपन से ही किसी और नज़र से देखा जाता है, अब ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है रेसिज्म यानी डिस्क्रिमिनेशन। रेसिज्म ऐसा बुक्स में लिखा गया, अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोगों को रेस पे, कुछ लोगों को लैंग्वेज पे, कुछ लोगों को कम्युनलिज्म यानी मज़हब के नाम पर जब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उस वजह से भी सेल्फ एस्टीम नीचे जाती है, यानी खुद एतमादी कमी पाई जाती है। चौथी चीज़ है पीयर ग्रुप प्रेशर, हमारे दोस्त हमसे कैसे डील करते हैं, हमें दोस्त किस नज़र से देखते हैं, हमें दोस्त लूज़र मानते हैं या हम पे दोस्त एतमाद करते हैं, वो हम पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। अगर हमें वो लूज़र मानते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने फ्रेंड सर्कल में एज ए टिमिड यानी डरपोक जैसे बनेंगे, जिसका लॉन्ग रन में हमारी खुद एतमादी पे असर पड़ता है। उसके बाद है खुद एतमादी का डायरेक्ट रोल होता है कि कुछ लोग देखते हैं कि हम दिखते कैसे हैं, हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। कुछ लोगों में ये भी है कि जिनकी फिजिकल अपीयरेंस उनके हिसाब से ठीक नहीं लगती, उनमें खुद एतमादी की कमी होती है, उनको लगता है कि हम दिखने में अच्छे नहीं है या हम, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ लायक नहीं है, कोई हमसे बात नहीं कर पाएगा, कोई हमें पसंद नहीं करेगा, हम रिश्तों में कभी नहीं जा सकते। और पांचवी चीज़ जो है वो ये है कि कुछ लोग कभी फील करते हैं कि हम मेल एडजस्टेड हैं, हम कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो पाते, घर में भी मैं एडजस्ट नहीं हो पाता हूँ, मोहल्ले में भी एडजस्ट नहीं, फ्रेंड्स मुझे लूज़र मानते हैं, उससे भी खुद एतमादी की कमी होती है। अब ये खुद एतमादी करती क्या है, सबसे पहले इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे कॉन्फिडेंस पे। जिस इंसान में खुद एतमादी यानी सेल्फ एस्टीम की कमी होती है
उसका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है और यकीनन उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, कामयाब चीजें हैं, वो बहुत कम होगी। दूसरी चीज है उसकी जो रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, उनमें असर पड़ता है। उनके काम करने की जगह या अगर पढ़ने लिखने की जगह है, उनमें परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है, स्कूल परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। फ्यूचर में जब रिश्तों संभालने या नए रिश्तों में जाने की जरूरत होती है, उसमें भी वो एज ए टिमिड यानी ज्यादा एडवांसेस नहीं लेता होगा, ज्यादा वो जहाँ पे चैलेंज दरकरार है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वहां पे भी वो उतना एक्टिव नहीं रहेगा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये तो कुछ बातें हैं खुद एतमादी की। अब इसका रोल देखते हैं हम ड्रग एडिक्शन में, यानी जिन लोगों को खुद एतमादी की कमी होती है वो लोग ड्रग एडिक्शन में कैसे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जिनको खुद एतमादी यानी सेल्फ एस्टीम की कमी है और उनमें बर्दाश्त कम होती है, वो अपने आप को लूजर समझते हैं और वो ज्यादा बहादुर नहीं होते, वो ज्यादा चांसेस नहीं लेते एग्जाम्स देने में या दोस्त बनाने में, इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस नीचे होता है और खुद एतमादी की काफी वजह है। अब खुद एतमादी और ड्रग एडिक्शन की कुछ रिसर्च है। सबसे पहले एक रिसर्च है जो कि है हामिद रजा आलवी जो एक ईरान के एक साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट। उन्होंने खुद एतमादी की जो रिसर्च है वो की थी ईरान की कुछ जेलों में। उन्होंने देखा वो लोग जो चोरी करते हैं, वो लोग जो नशा करते हैं और वो लोग जो प्रोस्टिट्यूशन में मुब्तला है, उनकी सेल्फ एस्टीम यानी उनकी खुद एतमादी कंपेयर की नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ, जो लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम लोग जैसे और आप जैसे, उनकी जब उन्होंने डिफरेंस देखा तो देखा वो लोग जो चोरी करते हैं, वो लोग जो मंशियात में मुब्तला हैं, वो लोग जो प्रोस्टिट्यूशन में मुब्तला हैं, उनकी खुद एतमादी यानी उनकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी नीचे। दूसरी जो रिसर्च की गई थी वो की गई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ के कुछ ऑथर का एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं है, उन्होंने कुछ गर्ल्स पे रिसर्च की थी। उन्होंने देखा था वो गर्ल्स 12 साल की उम्र तक, जो लड़कियां जो 12 साल की उम्र में ड्रिंक करती हैं, लॉन्ग रन में देखा गया है कि उनकी खुद एतमादी की कमी होने के चांसेस डबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। यानी दो ग्रुप लिए गए थे, एक ग्रुप में नॉर्मल, एक ग्रुप में वो लोग जो ड्रिंक यानी शराब पीते थे। तो देखा गया था जब वो बड़े हुए तो जो लोग शराब पीते थे उनकी तादाद डबल थी, दो गुना थी एज कम्पेयर टू वो इंसान जो लोग नशा नहीं करते थे या जो लोग शराब नहीं पीते थे। और तीसरी जो चीज़ है वो मैंने भी पिछले साल एक पेपर बनाया था, रिसर्च पेपर, जिसका नाम था कंपैरिजन स्टडी ऑफ सेल्फ एस्टीम बिटवीन इंडिविजुअल्स हु अब्यूज सब्सटेंसेस एंड इंडिविजुअल्स हु डू नॉट अब्यूज सब्सटेंसेस। तो इसमें सेल्फ एस्टीम पुअर दिखाई गई थी उन इंसानों को जो लोग नशा करते थे, जो लोग सब्सटेंस अब्यूज करते थे। हमारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर में भी यहाँ पे जो हम ड्रग एडिक्ट्स के साथ डील करते हैं, जो प्राइमरली हम जो थेरेपी यूज करते हैं वो है मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी। उसका एक फुल फ्लेज सेशन होता है या उसकी एक फुल फ्लेज टेक्निक होती है, जिस टेक्निक को हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, जिसमें हम कहते हैं कि बिलीफ इन वन्स एबिलिटी टू चेंज, यानी खुद एतमाद होना चाहिए कि मैं ये नशा छोड़ सकता हूँ। वो खुद एतमादी वहाँ पे भी हम जगाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि कभी अगर ये खुद एतमादी घर के कुछ रिश्तों में खराब हो गई है या खुद एतमादी हमारी कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो स्ट्रेसर है, फॉर एग्जाम्पल अब्यूज, फिजिकल इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज, या कभी कोई भी चीज को कोप अप करने के लिए रिलेशनशिप का ब्रेकअप है, एकेडमिक अंडर अचीवमेंट है, उनकी वजह से खुद एतमादी नीचे चली जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी सेल्फ बिलीफ इन सेल्फ एफिकेसी के दौरान हम खुद एतमादी में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का थेरेप्यूटिकल अप्रोच यूज करते हैं और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि खुद एतमादी का रोल ठीक होने में भी काफी इंपॉर्टेंट है और अगर किसी तरह से भी सेल्फ एस्टीम यानी खुद एतमादी कम हुई है उसको बढ़ाने का हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो ये रोल था खुद एतमादी का मंशियात के इलाज के बारे में। शुक्रिया।